हाउ आर यू? फाइन फाइन। सुखी जी, आज आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे नैना जी के लिए, जिन्होंने आज जो हेयर स्टाइल बनाया है और हमारे दर्शकों को जो दिखाया है, बहुत अच्छी टेक्निक उन्होंने सिखाई है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे कह रहे हो सर? हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, तो मैं आपको फिर से हेयरस्टाइल के रिपीट बारे करता हूं में कि आप रिव्यू नैना जी के दीजिए लिए कुछ आप। कहना चाहेंगी, क्योंकि हमारे सुखविंदर जी भी बहुत अच्छे इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट हैं, इसलिए आज हम देख रहे हैं कि आप नैना जी को अप्रिशिएट करने के लिए आप ऑनलाइन आए हैं। थैंक यू सो मच। तो आप क्या कहना चाहेंगे नैना जी के लिए? बिल्कुल सर, हम एक दूसरे की अगर रिस्पेक्ट, एक आर्टिस्ट अगर दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट नहीं करता तो वो एक ह्यूमन नहीं है, है ना? हाँ तो जी, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर। बल्कि आजकल जो है ऐसा हो रहा है, अब ऑनलाइन क्लासेस की वजह से मैं वैसे ज्यादातर लाइव नहीं रहती हूँ, ऑनलाइन नहीं रहती हूँ, बट जो कभी कभी सुनती हूँ कि एक आर्टिस्ट को फेम मिल गया, नेम मिल गया, और वो सोचता है कि बस सारी शक्तियां मेरे पास आ गई, जैसे रावण सोचता था कि सारी शक्तियां मेरे पास आ गई। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और दूसरा, एब्सोल्युटली आर्टिस्ट राइट मैम। रिस्पेक्ट ही नहीं है दूसरे आर्ट एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, बस उसकी कमियां ढूंढने में लगा हुआ है। तो ये ऐसा इस इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए, यू आर क्योंकि राइट हमें मैम। एक दूसरे को हमारा फर्ज बनता है अप्रिशिएट करें और खुश हो। एग्जैक्टली, वी ऑलवेज अप्रिशिएट। काफी जगह थैंक यू, ऐसी हो रहा है मैम, एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सामने नहीं देखना चाहता। मेरा बिल्कुल मेरा कहना ऐसा है कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपको दूसरे आर्टिस्ट की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज आप बिल्कुल भी उसी से जुड़े हुए हो, आपका भी काम भी वही है। सो आपका बिल्कुल काम है, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो ऑफकोर्स लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रू नैना जी, मुझे तो आपका हेयरस्टाइल बहुत बढ़िया लगा, बट व्हाट अबाउट दिस? आज हमें हम आज मिले है हैं तो जो सारी इतनी सारी चोरियां लग पड़ी थी आपके चीजें पास, सारी पहन ली आज। हाँ जी मैम, मैंने कहा आज मैम ने सारी चूड़ियां जो पड़ी थी घर पे सारी पहन ली इकट्ठी नहीं, थोड़ी सी ही पहनी है। करके। एक्चुअली आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट हर वर्क, शी डिड अ वेरी हेलो, गुड जॉब। सो बेसिकली यही सेम सेशन को लगती है, मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से प्रिपरेशन की। सी, ये यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा बेंगल लुक डाल दिया, सही सो काफी इंटरेस्टिंग, यस, सेशन को काफी इंटरेस्टिंग बनाना था। तो मैम मैं आपको पूछना अरे चाहूंगी, वाह, तो हमने एक चीज क्रिएट की है बैंगल से, तो आपको कैसा लगा? मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी राय क्या है इससे, जो हमने बैंगल। एक्चुअली आपने जो किया ना, एकदम इजी एंड फास्ट टेक्निक था। जो ये चीज हम जब भी हमारे पास फास्ट क्लाइंट आते हैं जिनके पास टाइम ज्यादा नहीं होता है, तो ये जो आपने हेयर स्टाइल दिखाई वो हम इजीली जल्दी से करके दे सकते हैं और इसका लुक बहुत ही बढ़िया रहता है। सो वेस्टर्न हेयर स्टाइल में रोज पैलेट बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये आपने इतना इजी टेक्निक और इजी चीज आपने दिखाई, तो ये बहुत ही सबके लिए फायदेमंद रहेगी। और गाइस, मैं तो बोलती हूँ आप इस चीज को अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, आपके सलून में डमी पे या किसी भी क्लाइंट पे ये बहुत ही बढ़िया लुक देने वाला है। नैना सो जी थैंक यू ने सो बहुत मच। अच्छा, और मैं कविता ये जी, बताना आपने बहुत चाहूंगी अच्छी बात कही। और मुझे ये बताना है कि ये यस हेयर नैना स्टाइल जी, जो है ये इजी नहीं है, बट हमने जो टेक्निक सिखाई है वो बहुत इजी टेक्निक में सिखाई है। अगर आप देखना चाहोगे सर, कभी यस अगर आप, मैंने काफी जगह देखी है, ये हेयर स्टाइल बहुत ही हार्ड तरीके से सिखाई जाती है। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं, हमारे अजीत बच्चा जी भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, और अजीत जी हमारे एक नैना जी की हेयर स्टाइल को देख रहे हैं। हाय अजीत जी, मैं आपको अजीत अभी थोड़ी देर में लाइन पे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ रूम में सिर्फ 3 लोग ही जुड़ सकते हैं, और मैं आपको भी चाहूंगा कि आप भी लाइन पे आए और अपनी बात को जरूर रखें, क्योंकि एक कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को जब सेम फील्ड से अप्रिशिएट करने आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सर, और मैं हमेशा सभी से यही बात कहता हूँ, क्योंकि आज मार्केट के अंदर इतना कुछ चल रहा है, इतनी जबरदस्त कंट्रोवर्सी चल रही है, कि एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को काटने में लगा हुआ है।
बट मैं ये चीज कहता हूँ कि ये हमारे बहुत अच्छी बात है कि आज आप लोग आए और यहाँ पे ऑनलाइन एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए ऑनलाइन हुए हो, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू नैना जी, आपने बहुत अच्छा वर्क किया है और बहुत सारे लोगों हमारे आपके साथ है। और नैना जी के बारे में थोड़ा सा मैं एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था और मैं एंड में भी ये चीज बताऊंगा कि नैना जी जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उतने अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। वाव, मैं इनकी हमेशा इनके वीडियोस देखता रहता हूँ। कभी ये गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं या कभी कभी गरीब बच्चों को बुक्स देने जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम देखा था सर्दियों में कंबल बांटते हुए भी इन्होंने रोड पे काफी सारे जो रोड पे सोते हुए लोग थे उनको कंबल बांटते हुए देखा था। तो बहुत अच्छा ये वर्क आप करते हो तो उसके लिए हम भी आपको सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट, यस, थैंक यू सो मच सर। अपने और अजीत जी को मैं भी लाइन पे लेना चाहूंगा। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अजीत जी को भी लाइन पे लेना चाहूंगा बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि इस टाइम पे कोई घर से बाहर निकलने के लिए डर है। और आप जानती हैं जैसे कि आप देख रहे हो आई एम अ एंगेज्ड, मैं अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है बट मैं कोविड वार्ड में जाके जैसे कोविड पेशेंट्स को जो रिलेटिव्स होते हैं उनको जाके हम खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए मेरे खुद के लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि मैं आज अगर मैं कर रही हूँ तो आज भगवान मेरे साथ है। एग्जैक्टली, देखिए बहुत अच्छी बात है। आज लाइव होते हुए आज नैना जी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो अभी अनमैरिड है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपको अभी आने वाली है। दिस इज एक्चुअली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम एक कोविड वार्ड में जाके हम कोविड पेशेंट को खाना दे रहे हैं, क्योंकि सब लोग देखते हैं ये कोविड पेशेंट है उनसे दूर रहोगे, कोई खांसता भी है तो 10 किलो की दूरी पे बना जाता है, बट हम ऐसा नहीं कर रहे। हम हमसे जितना हो पा रहा है वो चीज हम दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। थैंक यू। तो अपने लिए जीते हैं, औरों के लिए जीना ही इंसान वो ही कहलाता है जो औरों के लिए जीता है। अपनी फीलिंग्स की परवाह ना करते हुए औरों की फीलिंग्स को ध्यान में रखना, यही इंसानियत है मैम। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। मैं अभी एक किसी को लेफ्ट करना पड़ेगा, मैं अजीत जी को भी लाइन पे लेके आ रहा हूँ क्योंकि अजीत जी भी लाइन पे है। I am going. Okay, okay. And watching thank you. And watching you all. Okay. तो हमारे अजीत जी भी अभी इस समय लाइन पे हैं, मैं उनको भी लाइन पे लेके आ रहा हूँ। अजीत जी, आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप अभी लाइन पे हैं तो आप आ सकते हैं हमारे साथ। और जो आज का वर्क रहा है, बहुत सारे हमने टीम वर्क किया है और हमारे साथ जुड़े हुए एक हेयर स्टाइलिस्ट सुखविंदर सिद्धू फ्रॉम दिल्ली, जिन्होंने बहुत धूम मचाई हुई थी आईवा में भी। आज हमारा सौभाग्य के वो रेडिक्स ब्यूटी के साथ है। हेलो अजीत जी, नमस्कार। हाय, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हो सर? कैसे हैं सर आप? कैसे हैं आप लोग? ऑल लोड आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त जो आज मेरे सर पे है आज भी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे काफी सपोर्ट किया है ये फील्ड में। जब मैं स्टार्टिंग में थी आई थी तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच सर। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, गुरु हमेशा गुरु ही रहता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गुरु गुरु बिन ज्ञान कहाँ, तो गुरु हमेशा गुरु ही रहता है, ये चीज हम जानते हैं। तो अजीत जी, आज जो नैना जी ने आज हेयर स्टाइल, आपको कैसा लगा? वेरी नाइस जॉब। आप कुछ कहना चाहेंगे नैना जी के लिए? आपको बताया था मैंने किसी इशू के कारण में। हाँ, ऐसे ही काम करते रहो और आगे नाम कमाते रहो। ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। मैं अपने ऑल स्टूडेंट पे ऑलवेज प्राउड फील करता हूँ, ये आवाज जो भी है मेरे पास करने के बाद अच्छे लेवल पे यहाँ सारे।
चलिए, बहुत सारी ब्लेसिंग आपको आज नैना जी को मिली है अजीत जी से और हमारे सुखविंदर जी से। सुखविंदर जी, आप अजीत जी को जानते हैं, अजीत जी हमारे जो है बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं और सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। ओके अजीत जी, मैं आपको आज थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, और आप सारे बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा अगर आप माइंड ना करें तो, बाकी के व्यूवर्स भी इस चीज को देख रहे हैं। आजकल जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अपने आगे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मेंशन करते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो मेरी प्रोफाइल पे जाके देखो, मैंने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट लिखा ही नहीं है। पहली बात तो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पता है नहीं होते ना वही लिखते हैं। सिंपल आज बात बताता हूँ सच। ओके, जो आप पे होंगे ना वो कभी शो नहीं करते हैं कि आप हो क्या। और सर ये चीज मैं, ये चीज अभी ये चीज अप्लाई होती है हमारे यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट के ऊपर भी। अब जैसे हमारे सुखविंदर जी हैं जिन्होंने पेरिस से, दुबई से, वहां से सर्टिफाइड है, आप हैं रसिया से सर्टिफाइड है, नैना जी रसिया से सर्टिफाइड है, तो हम इस चीज को कह सकते हैं कि दे आर इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट। बट आजकल के सारे जितने भी हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो भी अपने आप को इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट ही कहते हैं, तो इसके पीछे का कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। सुखविंदर जी क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? लेना कहीं से ले सकते हो जी, एजुकेशन लेना कहीं से भी नॉट बैड, ठीक है, आप कहीं से भी आप क्लास ले लो, क्लास सीख लो, सब कुछ समझ में आता है। बट आपने अगर इंटरनेशनल काम किया है ना, मैं जो पर्सनली जब मानता हूँ कि आप सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट बनते हो, क्लास लेने से आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट नहीं होते, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी हो। चाहे आपने अगर इंटरनेशनल काम किया है बाहर जाके कुछ, तो आप इंटरनेशनल आर्टिस्ट माने जाते हो, लाइफ में वो रियलिटी होती है, इस चीज को कोई एक्सेप्ट नहीं करता आजकल के टाइम पे। मगर जी सुखविंदर जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ सर, एक्चुअली क्या होता है ना सर, जैसे लोग अपना काम करते हैं, इंटरनेशनली सीखते हैं, इंटरनेशनली जाके वहाँ काम करते हैं, हम लोगों ने सीखा भी, वहाँ जाके काम भी किया, ठीक है, तो इसलिए मैं अपने पीछे जो है लगाती हूँ इंटरनेशनल। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आज इंडस्ट्री के अंदर की सेलिब्रिटी क्यों लगा रहे हैं, इंटरनेशनल क्यों लगा रहे हैं। पहली बात, उन लोगों के पास अथॉरिटी है किसी का टैग रिमूव करने की? कोई कुछ भी लगा रहा है तो किसी को आप किसी पे कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी लगा रहा है, सेलिब्रिटी लगा रहा है, अगर किसी ने सेलिब्रिटी आर्टिस्ट होगा तो बात मानने में आती है, अगर कोई वैसे ही लगा रहा है जैसे इन्होंने अली जी ने कहा तो वो रॉन्ग है, ठीक है, तो रॉन्ग है, ठीक है ना। जो लोग बस वही पॉइंट है मेरा भी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जो एक सेलिब्रिटी का काम कर रहा है ऑब्वियसली वो लगाएगा, उसका हक बनता है लगाने का, उसका ऐसा नहीं है कि हम उसको भी एक ही तराजू में तोलते रहे कि सेलिब्रिटी क्यों लगा रहे हैं, वो आर्टिस्ट इंटरनेशनल क्यों लगा रहे हैं। तो अपना हक है, अपनी मर्जी है, कुछ भी कोई अपने टैग यूज कर सकता है, लेकिन किसी के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि उस टैग को कोई रिमूव कर सकता है। और दूसरी बात ये है सर कि आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा सा किसी को कहते ना, कोई एक नेता जब सत्ता में नया नया आता है ना, तो उसको अपने सत्ता का और शौहरत का, दौलत का ना बहुत ज्यादा नशा हो जाता है, तो उस नशे में ना कई बार कहते ना जोश होश खोना, उसको ये नहीं पता चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मेरा पब्लिकली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कुछ भी बोलता है वो आके। तो इंडस्ट्री में यही हाल हो रहा है, कुछ लोग हजम नहीं होता, यही हो रहा है, हजम नहीं होता उन लोगों को। हाँ बिल्कुल, तो सर दिखना ऐसा नहीं है, कंट्रोवर्सी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आजकल जो चल रही है सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि मैं किसी के खिलाफ ऐसे बोलूं तो दूसरा बंदा भड़केगा, मेरा नाम लेके बोलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही काम वो खुद करने होते हैं, और सीक्रेट सबको पता है। आज मेरे साथ, मैं कहती हूँ जो ये बात बोल रहे हैं ना, मेरे साथ बैठाओ, मैं बोलती हूँ, सामने बोलूंगी, मुझे किसी का डर नहीं है। अगर मैं इंटरनेशनल लगाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि हम लगाती, मैंने किया है काम,
मेरे पास सब कुछ है, क्या नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम काम करते हैं तो कहते हैं ना, कोई प्रैक्टिस ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है, लेकिन दिमाग सबके अंदर होता है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना तो हमारे इंडियन सबसे आगे हैं, और सिर्फ इतना है कि मेहनत जो है कई लोग ज्यादा करके आगे बढ़ जाते हैं, और कई लोग जिनको सब कुछ मिलता है वो आराम से बैठे रह जाते हैं। बस बात फर्क जितना ही होता और कुछ नहीं। और दूसरी बात यह है कि अब गुजरात है, देखा जाए गुजरात महाराष्ट्र में लुक वाइज जो है ना मेकअप ज्यादा लाउड करते हैं, तो दिल्ली में थोड़ा सा देखा जाए तो सॉफ्ट देखा रखते हैं। लेकिन कुछ लोग उन लोगों के ऊपर भी एक बात ये कह रहे हैं कि आई मेकअप करते हैं तो ब्राइडल की यहाँ तक कर देते हैं। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ रॉन्ग है। दूसरी बात कि इतनी कलरफुल क्यों बनाते हैं। ठीक है, हर आर्टिस्ट का एक आर्ट है, वो कैसे भी करे, लेकिन रॉन्ग तो नहीं है। चाहे वो अपनी आईज में कलर 10 डाल रहा है, चाहे 4 डाल रहा है, चाहे 5 डाल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक आर्ट दिखा रहा है ना अपना, उसमें बुराई क्या है। और दूसरी बात, जब वो अपना आर्ट दिखा रहा है और जब उनका बच्चा खुद आईज को क्रिएट करता है 4 कलर डाल के, तो तब पब्लिक पूछती है आपने क्यों डाला, आपने ऐसी कलरफुल आईज क्यों बनाई। तो वहाँ पे आंसर क्या होता है कि बच्चे कर रहे हैं ना आजकल तो ट्रेंड में है, तो फिर तुम दूसरे के ऊपर उंगली खड़ी क्यों करते हो। ये बात है ना, तो ये बिल्कुल सही पकड़े, बहुत सही कही है। और इस बारे में नैना जी भी आप कुछ कहना चाह रही हैं। अजीत जी मैं आपके पास, अजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, नैना जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो नैना जी आप क्या कहना चाहोगी जो हमारे सुखविंदर जी ने कहा है अभी इस बारे में। एब्सोल्युटली मैम का राइट है मैम ने जो बोला, बट मैंने जहाँ तक देखा है अगर इंस्टा पे लोगों के फॉलोअर ज्यादा आ गए तो खुद को सेलिब्रिटी समझने लगते हैं, तो इसीलिए वो सामने लगा दी कि आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। जहां तक कि मैंने देखा है, बट मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरे से बड़े बड़े लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो काफी अच्छा उन्होंने बताया। बट जहां तक कि मैंने देखा है, अगर आपके इंस्टा पे फॉलोवर ज्यादा हो गए, चाहे आप सेलिब्रिटी का मेकअप करो या ना करो, बट आपके फॉलोवर ज्यादा हो गए तो आपने लगा दी है आई एम अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, ऐसे कह रहे लोग। तो सब अपनी अपनी जगह, जिनको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ तो उनके तकते ही रहने दो तो बेटर है। अगर हम कुछ बोलना चाहे तो हम बुरे बन जाते हैं, इसलिए जिनको जो अच्छा लगता है वो करें। बिल्कुल नैना जी, एक्चुअली ये है कि इंडस्ट्री में जवाब देने वाले कोई कम नहीं है, जवाब देने के लिए बहुत सारे बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चुप रह जाते हैं, बोल नहीं पाते, अपनी आवाज को उठाना नहीं चाहते हैं, अपनी आवाज को आगे वो निकालना ही नहीं चाहते हैं, बस बात यह है। और दूसरे बंदे को मौका मिलता है दूसरे की बुराई ढूंढने का, फर्क कैसा होता है ना, एक हमें नाम बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, पकड़ो सालों पकड़ लो, बट वो खराब होने के लिए ना एक सेकंड भी नहीं लगता। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है हमारे लाइफ में, तो ये सब चीजें बहुत देख के चलनी पड़ती है हमें। यही तो बात है, हम जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, हमारे अजीत जी ने हमें एक दिन कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी बात मुझे कही थी और वो बात बिल्कुल सटीक भी थी। अजीत जी ने मुझे ये कहा था कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट आज की डेट में, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं अपने आप को सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट वो मेंशन कर देते हैं, बट अगर रियल में देखा जाए ना, जिस दिन वो सेलिब्रिटी को मेकअप करके और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू करे ना, उस दिन पता चलेगा कि उनको काम कैसे होता है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक एक बड़ा पाव खाने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि कंटिन्यूअसली शूट होता है वहाँ पे। तो अजीत जी इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? 14 घंटे अगर काम करोगे तो क्या पता, मैं ये कहूंगा 14 घंटे जब काम करोगे ना तब आपको उसकी कीमत मिलेगी कम, उसके बाद जब तुम सेलिब्रिटी लिखोगे तो तुमको एक मेहनत वसूल होती है, बट आप नॉर्मली अगर लिख देते हो कि एक अवार्ड लेके सेलिब्रिटी का अवार्ड ले लिया, उसके बाद तुमने लिख लिया सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट, इज वेरी रॉन्ग एक्चुअली। बस देखिए मेहनत करना, देखो मेहनत करोगे ना आप 10 दिन में पहुंचने वाली जगह वहां पहुंचोगे 20 दिन में, 10 दिन की जगह आप 20 दिन में पहुंचोगे, बट पहुंचोगे जरूर। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना शॉर्टकट मारोगे, जितने लिए ऊपर जाओगे उतने लिए नीचे गिरोगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना अली जी, मेहनत करके इंसान एक आगे आता, उसको एक शोहरत मिलती है, लेकिन जब उसको शोहरत मिलती है तो वो ऊपर तो चला जाता है पर उसको नीचे देखना भूल जाता है कि नीचे जमीन भी है।
वही तो रॉन्ग होता है, वही तो रॉन्ग होता है इंसान का। मैं यही कहता हूँ, मैं आज इस लाइन में 14 साल से हूँ, 14 साल बहुत होते हैं लाइफ में, और 14 साल बाद मैं यहाँ बैठा हूँ काम करके। तो मुझे लगता है तब मैंने जब सपने देखा था तब आज जाके सपना हुआ 14 साल बाद ये वहां पे तक मैं पहुंचा हूँ। मैंने वो सोचा भी नहीं था कभी कि ये सब चीजें मेरे को रुकावट, और रुकावट तो किसी को पता नहीं चलती लाइफ की क्या हो रहा है किसकी लाइफ में, बट ये सब तो पता होता है जहाँ बंदा ये शॉर्टकट पहुंच गया लगता है इसने इसकी हेल्प ली इसलिए ऐसा पहुंचा, वो कभी नहीं होता। जबकि मेहनत इंसान खुद करेगा ना तो खुद ही आगे जाएगा। शॉर्टकट से पहुंचते हैं ना उनका जो है ना वो दिखता है, कुछ ऐसा नहीं है। कितनी देर वो दुनिया को हम बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, आज जो ट्रेंड है जो माहौल चल रहा है ना हम दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, हमारे से 4 कदम लोग आगे हैं, तो इसलिए मेहनत जो है ना वो दिखती है। अगर मेहनत से आप आगे आते हो टाइम लगता है लेकिन जरूर आगे आते हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा आप तो वही ना कहते हैं ना मेहनत करने वाला है, सवाल और भी है जी सिंह को तो एक बात है। अजीत जी, सुखविंदर जी और नैना जी, आप तीनों से मेरा एक छोटा सा सवाल और भी है, जो अभी कुछ दिन से मैं मतलब आप तीनों ही हेयर स्टाइलिस्ट हैं, जब भी कभी हम मेकअप कॉन्टेस्ट करते हैं तो मेकअप कॉन्टेस्ट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट कॉन्टेस्ट करने आ जाते हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिस्ट जो कभी भी हमने कॉन्टेस्ट रखा है लेकिन कभी भी हेयर स्टाइलिस्ट अपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते, उसके पीछे का रीजन क्या है? सर उसके पीछे का रीजन ये है कि हेयर जो है ना सबको ही मुश्किल लगता है, लेकिन आजकल देखा जाए तो हेयर में बहुत अभी जो है वैसे तो बहुत सब लोग जो है हेयर में बहुत ध्यान देने लग गए हैं, लेकिन अभी 2-3 साल अगर पहले देखा जाए तो हेयर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता था। अब जो है आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे जो है पार्टिसिपेट्स मिलेंगे। ओके अजीत जी आप क्या कहोगे इस बारे में? अजीत जी का नेट स्लो हो गया। नैना जी से ओवर टू नैना जी। नैना जी आप क्या कहना चाहोगे? सर मैम ने जो कहा वो सही कहा है, बिकॉज काफी लोग ऐसे होते हैं एक्चुअली जो ट्रेंड चल रहा है वो मेकअप का चल रहा था अभी तक के, बट आई होप कि बहुत जल्द हेयर का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी जो भी हमें देख रहा है गाइस हेयर पे भी फोकस करो, मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जी अजीत जी अभी आप अजीत जी लाइन पे हैं क्योंकि नेट उनका स्लो चल रहा है थोड़ा सा। हाँ जी अजीत जी बताइए। हाँ बताइए क्या कहते हैं आप, मुझे वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। क्वेश्चन ये था कि हम जब भी क्या क्वेश्चन था आप मुझे बताओ, हम मेकअप कॉन्टेस्ट रखते हैं तो हमारे पास कॉन्टेस्टेंट के लिए मेकअप के लिए बहुत सारे लोग कॉन्टेस्ट फाइट करने आ जाते हैं, लेकिन हेयर स्टाइल में आप इतने सारे मास्टर्स हो यहाँ पे इतने सारे हेयर सिखाते हो बट कभी कोई भी स्टूडेंट हेयर कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं आते? क्योंकि उन लोगों को ना उनका हेयर परफेक्ट ही नहीं होता पहली बात तो। पता क्या होता है लोग ना जब कहीं सीखने जाते हैं ना वो सिर्फ ना हेयर स्टाइल ही सीखने जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं आपने कितने हेयर स्टाइल सिखाने वाले हो, अच्छा 20 ठीक है, वो तो 25 सिखाते हैं इतने में। तो ये उनका दिमाग में बैठी रहती है बातें और वो उनको प्रैक्टिस एक की भी नहीं करते। सुनो अभी और बताता हूँ कहानी जिसके कारण प्रैक्टिस एक की भी नहीं होती, वो बोलते हैं अरे हमने वहां से कोर्स किया बट कोर्स करने का उन्होंने प्रैक्टिस एक भी नहीं की करी, तो वो इस 40 के लाएंगे मेकअप आर्टिस्ट ये बताओ। यस एग्जैक्टली मैं यही चीज प्रैक्टिस नहीं है, हेयर इज द हार्ड टू वर्क। क्या इतना हार्ड होता है हेयर पे वर्क करना? हेयर करना हेयर बहुत इजी होता है आज मैं सच बात बताता हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो, अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो डेली आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपका हैंड इजीली बैठ जाता है, बट आप एक बार हेयर स्टाइल बनाओगे और प्रॉपर नहीं बनी तो काफी लोग ऐसे होते हैं नहीं उसी नहीं बन रही अब मैं नहीं करूंगी, ये गलत है। अगर आपका एक बार नहीं बन रहा तो आप रिपीट कीजिए, 2 से 3 बार बनाइए, लास्ट टाइम आपका तो प्रॉपर बनेगा ही, फिनिशिंग आएगी आएगी। एक बात और जी, मुझे आज भी याद है नैना ने मेरे पास जब आई थी रात को 2-2 बजे तक उसने मेरे पास प्रैक्टिस करी है, तो मुझे वो दिन याद है। तो ये बात इसको खुद को पता जाए हमने रात के 2-2 बजे प्रैक्टिस करी तो मेरे पास कैसे खुश होते हैं। जब मेरे पास क्लासेस के स्टूडेंट्स आते तो एक बार प्रैक्टिस में थक जाते तो मैं उनको बोलती हूँ कि हमने रात में 2-2 बजे तक प्रैक्टिस की हुई है,
तो अब ऐसे इजी में मत लो, दो दो कुछ बनना है लाइफ में, तो आगे बढ़ना है तो मैं ऐसे ही बस्ती नहीं होता किसी को करना। संतोष जी ने लिखा है कि हेयर हो या मेकअप हो कोई हार्ड नहीं होता लेकिन करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल संतोष जी ये बात बिल्कुल सच है कि कहते हैं ना इंग्लिश में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मोर सक्सेस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको सक्सेसनेस जरूर मिलेगी। और अगर चीजें वही है कि अगर आपने एक बार देख लिया और आप कहो कि नहीं मैं तो हेयर स्टाइलिस्ट बन गया और ऊपर से आप लिख भी दोगे कि मैं आई एम द इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट, तो दैट्स वेरी गुड। कविता जी हमारे वंस यू कट द हेयर इट विल बी नेवर ज्वाइन। यस एब्सोल्युटली राइट, एक बार जब हेयर कट जाता है तो वो कभी वापस नहीं जुड़ता, लेकिन नीचे से ग्रोथ जो होती है ना वो वापस आती है। तो सबसे ज्यादा बेस्ट सजेशन मेरा यही दूंगा हेयर स्टाइलिंग, जो भी हमारे जैसे सुन रहे हैं और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अभी रैकेट से, सभी को एक ही सजेशन है, स्टाइलिंग हो या कुछ भी चीज हो, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ही आप मेक परफेक्ट हो पाओगे, नहीं तो आप वहीं के वहीं रहोगे। आने वाले टाइम पे ये कहोगे यार मैंने इतनी कोशिश करी हेयर स्टाइलिंग का, यहाँ से कोर्स किया वहां से कोर्स किया, नाम गिन बाद होगे आप 10 लोगों के, बट आप अपनी कमी नहीं बताओगे मैंने प्रैक्टिस एक जगह भी नहीं करी। Exactly. Yes, exactly. दोस्तों मेरा आज यहाँ पे यही है, आज हमने उससे पहले भी हमने एक हेयर स्टाइल की क्लास रखी है, हमने बहुत सारे मेकअप की क्लासेस भी रखी है और कंटिन्यू हम 2 बजे एवरी डे यहाँ पे क्लास लेके आते हैं, मेकअप हेयर स्किन और बहुत सारी क्लासेज हम लोग लेके आते हैं। तो जो भी चीज आपने आज नैना जी की क्लास भी आज आपने अटेंड की है, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया है, बहुत इजी टेक्निक से उन्होंने सिखाया है, तो जिन्होंने भी सीखा है दोस्तों अपने मास्टर का नाम मत खराब करो, क्योंकि आप अगर किसी मास्टर से सीखते हो तो उसको भी आगे बढ़ाओ, उसका नाम भी आगे होना चाहिए कि आपने इस मास्टर से सीखा है। तो जब कोई विनर सीख होके जाता है ना कॉन्टेस्ट में, आपको पता है मैं आप तीनों से भी ये चीज कहूंगा कि आप अपने स्टूडेंट से भी ये चीज बोलिएगा कि जब भी कभी हम एक बच्चे को क्लास में डालते हैं ना तो उसका हर ईयर हर 6 महीने पे एक एग्जाम होता है और एग्जाम से ही पता चलता है कि उसने क्या सीखा है। मास्टर अपनी पूरी कोशिश करता है बट स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको ये भी रियलाइज होना चाहिए कि हमने क्या सीखा है। तो आप कॉन्टेस्ट भी करते रहिए ताकि आपको भी पता चलेगा आपके मास्टर ने आपको क्या सिखाया है, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने मास्टर को भी ब्लेम कर सकते हो कि आपने हमें नहीं सिखाया, तब आपको मास्टर ये कहेगा कि आपने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की, मैंने तो सिखाया था बट आपने प्रैक्टिस नहीं की। एम आई राइट? यू आर राइट। यस यू आर राइट। एक चीज और बताता हूँ, जब हम 12वीं पास करते हैं, 12वीं पास करने के बाद जब हम जॉब के लिए जाते हैं, कुछ लोग 12वीं पास के बाद जॉब करने आते हैं, वो अगर वो एजुकेशन के टाइम बदौलत जॉब पे जाता है, वो सिर्फ एजुकेशन ही तो उसने ट्राई किया है बट उसने जॉब का एक्सपीरियंस थोड़ी उसको 1% भी, तो जॉब का एक्सपीरियंस भी जब आएगा, जॉब का एक्सपीरियंस जब आएगा जब वो आप उस चीज में ढंग से घुसेगा, तो अपने आपको टाइम देना सीखो, अपने आपको एक टाइम फिक्स कर लो माइंड में कि मुझे अपने आपको इतना टाइम देना है और मेरा एक टाइम फिक्स है कि मुझे आने वाले टाइम पे ये चीजें कवर करनी है और ये चीजें बनानी है। अगर आपने टाइम बांध लिया तो दुनिया की कोई भी चीज नहीं है जो तुम ना पाओ, हर चीज आपको मिलेगी। यस एब्सोल्युटली राइट, अजीत जी ने बहुत अच्छी बात आज कही है। तो दोस्तों इन चीजों को हम लोगों का एक आपको हेयर स्टाइल दिखाया, उसके बाद आपके मास्टर्स के साथ आपका डिस्कशन कराया हमने, तो बाकी चीजें के आपको समझ में आए तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नैना जी का जो आईडी है वो है जीपी मेकओवर, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। अजीत जी का अजीत बच्चा जीपी नैना, अजीत जी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे अब बहुत जल्दी हमारे हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट सुखविंदर जी को भी हम बहुत जल्दी लाइव लाने वाले हैं। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद, शुक्रिया, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, सभी को नमस्कार, थैंक यू, चाहिए सर, थैंक यू सो मच सर आज के लिए, थैंक यू नैना जी, आपने बहुत अच्छा आज सिखाया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, टेक केयर सर।